करण कुशलस्य उपसंपदा सचीतपरियो लगन एतं बुद्धानं सांसन। सभी प्रकार की जो पाप कर्म है अकरणीय है, नहीं करने चाहिए। पुण्य कर्म का ही संग्रह करते रहना चाहिए, पुण्य का संपादन करने हमेशा पुण्य का संपादन ही करते रहना चाहिए। और अपने भीतर जो मन राग द्वेष मोह अहंकार दुर्भावना से भरा हुआ है उसको निर्मल करने की प्रक्रिया सचित्त परियोदपन, अपने चित्त को नितांत निर्मल करें, यही बुद्ध की देशना है, यही बुद्ध का कथन है, यही बुद्ध का सद्धर्म है, बुद्ध शासन, यही उनका कहना है। भगवान ने अपने जीवन में 82,000 धम्म स्कंद प्रसूत किए, भगवान की वाणी 2,000 धम्म स्कंद अरहंतों की वाणी कुल मिलकर के 84,000 धम्म स्कंद, यह 84,000 धम्म स्कंद भगवान के बुद्ध की यही शासन कहा जाता है, उपदेश कहा जाता है, जिसमें 21,000 धम्म स्कंद सूत्र पिटक में, 21,000 धम्म स्कंद विनय पिटक में और 42,000 धम्म स्कंद अभिधम्म पिटक, कुल मिलकर के इसी तरह 84,000 धम्म स्कंद में भगवान की वाणी है, भगवान का उपदेश है। इस भगवान के उपदेश को ही भगवान का कहना, भगवान का प्रतिपादन करना, भगवान की धम्म देशना, इसी को ही बुद्ध शासन कहा जाता है। जिसमें गृही गृह त्यागी, जिसमें उपासक उपासिका भिक्षु और भिक्षुणी, यह सद्धर्म के चार आधार स्तंभ हुआ करते। जब तक ये चारों आधार स्तंभ सफल नहीं होते, बलवान नहीं होते, तो सद्धर्म फूलता नहीं, फलता नहीं, सद्धर्म को आयाम या व्यायाम मिलता नहीं। इसमें उपासक उपासिका भिक्खु और भिक्खुनी, ये चारों जे जो आधार स्तंभ है सद्धर्म के, बड़े बलवाली बलशाली होने चाहिए। कैसे बलशाली होंगे? वह यही उपदेश तो किया है, सभी पाप कर्मों से बच करके रहना, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, कुशल कुशल कर्मों को ही संपादित करते रहे। पता नहीं मनुष्य जीवन और मनुष्य या मनुष्येतर प्राणी हो, भगवान ने अपने बुद्धि के स्तर में, भगवान ने अपने प्रज्ञा के आधार पर उन्होंने अलग अलग मनुष्य हो या मनुष्येतर प्राणी हो उनके स्वभाव विशेष को पहचान जाना। क्या आपका स्वभाव विशेष है? किस स्वभाव वाले व्यक्ति हो, किस धर्म वाले व्यक्ति हो, किस नियमों से जीते हो, अक्सर भगवान ने जाना। ये मनुष्य लोक या मनुष्य मनुष्यत्व प्राणी 390 प्रकार के मानस चरित्र वाले यह प्राणी हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसके लिए 395 कलम में जो इस देश का संविधान लिखा, 395 मतलब 390 प्रकार के स्वभाव वाला चरित्र वाला मानस वाले ये सारे प्राणी, वह इन स्वभावों को अपने वेदनाओं के आधार पर उत्पाद करता, अपने स्वभाव आपके स्वभाव के अपने स्वभाव का निर्माण करता। वेदना पच्चे या तन्हा, यह भगवान की डॉक्ट्रिन है, अनुसंधान की दृष्टि है, केवल यह बुद्ध को ही प्राप्त होती है,
जिनके शरीर पर 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन अनुलक्षण, ऐसे महापुरुष की काया उपलब्धि होती है 300 पारमिताओं का पहाड़ खड़ा करने के बाद, तभी कहीं वह बोधि ज्ञान का स्वयं प्रयत्नों से अनुसंधान करते हुए बोधि ज्ञान को धारण करने की प्रक्रिया को, सारी प्रक्रिया को सुलझा देते। सदर में प्रतिष्ठापित लाभान्वित होने की सारी प्रक्रिया कौन देते, प्रकाशित करते हैं, सुव्याख्या करते हैं। जो जो भी अग्रही नहीं त्यागी लोग भगवान से संपर्क में आते हैं, लाभान्वित होते हैं, अपने भीतर की सारी अविद्या दूर करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए भीतर की सारी अविद्या का प्रपंच दूर कर लेते हैं और निर्वाण का साक्षात्कार करते। तो ही जिस व्यक्तियों ने, जिन प्राणियों ने निर्वाण का साक्षात्कार किया हो, वह प्राणी अपने मन के स्वभाव को जड़ से बदलने में वह कामयाब हुआ। हम सभी लोग, चाहे अपने आप को कोई क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मणेतर हो, काले हो, गोरे हो, इस वंश के या उस वंश के हो, इस प्रकार की बोली भाषा या उस प्रकार की बोली भाषा वाले बोलने वाले हो, या किस प्रकार की वेशभूषा या उस प्रकार की वेशभूषा पहनाने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति रागरंजित, देश रुचि और मोहित होकर के काया वाचा मन के द्वारा कर्म करता है। कर्म ये काया वाचा और मन के द्वारा किया जाए। भगवान कहते हैं मनोपंगमा धम्मा मनुष्यथा मनोमय मनसा पदुक्तेन भासति वा करोति वा ततो नन दुख मनवीति चक्कन वह तो मनोपंगमा मनुष्यथा मनोमय मनसा प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नन सुख मनवीति छाया अनपाई। भगवान कहते हैं सभी चीजों की जड़ मन है, मन ही प्रथम उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है आपको नहीं मालूम, ये भगवान को किसी वैज्ञानिक को भी नहीं मालूम। अभी तक मन का संशोधन करने वाला कोई उपकरण, मन को देखने वाला कोई उपकरण अभी तक वैज्ञानिकों ने संधान नहीं कर पाए। इसीलिए मन का संशोधन, मन कैसे उत्पन्न होता, कामावचर चित्त 54, रूपावचर चित्त 15, अरूपावचर चित्त 12 है और लोकोत्तर चित्त 8, कुल मिलकर के 89 चित्त 89। लोकोत्तर चित्त की संख्या 40 बढ़ जाती है, इसलिए चित्तों की जो गणना होती है 121 प्रकार का चित्त। एक चित्त जब उत्पन्न होता है तो अनेकों चैतसिक चित्त वृत्तियां साथ में लिए हुए चित्त उत्पन्न हो जाता है। 52 प्रकार की चित्त वृत्तियां होती है चैतसिक, 28 प्रकार का रूप बोले तो ये जो दिख रहा है भौतिक जगत, ये सारे सूरज चांद तारे आकाश, ये जो भी पेड़ पौधे प्राणी मनुष्य तर जो भी सारे प्रकृति को हम देख रहे हैं, ये भौतिक जगत कहा गया जो अपनी आंखों से देखा जा सकता है। ऐसा ही है भौतिक जगत पे, ऐसा ही है जो अपनी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता लेकिन उसका अस्तित्व है। अभी परमाणु क्या अपनी आंखों से देख पाएंगे? अच्छा हुआ कि हमको समझने के लिए 1968 अल्वर्स लुईस इस वैज्ञानिक ने 1968 में बबल चेंबर नाम का संशोधित
उन्होंने ये सारी प्रकृति के विषय में कितने तेज रफ्तार से पार होती और नहीं होती, ये पार सारी प्रकृति एक सेकंड में टक जैसे कांटा हिल गया सेकंड का, तो एक सेकंड में एक इस आंकड़े पर 22 बिंदिया 22 जीरो एक सेकंड में एक इस आंकड़े पर 22 बिंदिया लगा दी। इतनी तेज रफ्तार से यह सारा निसर्ग यह सारी प्रकृति उत्पाद होकर के नष्ट हो गई, उत्पाद होकर के गए। यह उस वैज्ञानिक ने एक उपकरण द्वारा यह सिद्ध किया, इतने तेज रफ्तार से ये सारी प्रकृति उत्पाद होकर के वे उदय उदय उदय। इसीलिए भौतिक जगत अभी हिरोशिमा हो या नागासाकी हो, हम जाकर के आए हिरोशिमा नागासाकी में देखे तो हिरोशिमा और नागासाकी अभी पता नहीं, वो तो जापान ये है स्वर्ग नगरी कही जाती है, मनुष्यों का स्वर्ग ही है, लेकिन लोग बड़े आदिवासी सब चीज का बहुत कर्मकांड में उलझे हुए। हमारे यहाँ के जो लोग है ना हमारे, हाँ जो बुद्धिस्ट लोग है जो वहां पर गए बड़े होशियार लोग हैं, तो एक दिन आएगा कि वो भी सत्ताधारी बन जाए। बहुत मूड है जापानी लोग, वो क्योंकि क्यों मूड है क्योंकि वो अभी वो कर्म कांड में नामी हो क्यों हमारी सुरेश सोसाइटी कहते हैं इस तरह महायान वाले लोग, उनको पता नहीं। अभी जैसे इस साल की जो जयंती का महोत्सव बड़े पैमाने पर हुआ और उनमें बहुत सभी प्रदेश के जितने जापान के अपने लोग हैं इकट्ठा आ गए और बड़े पैमाने पर बाबा साहब की जयंती मनाई। तब से अलग अलग जो दो ही सेंटर है टोकियो में अभी इतने तेज रफ्तार घूमने लगे, टोकियो के अभी जापानी लोग ध्यान करने के लिए मजबूर हो गए। बड़े दोनों सेंटर फुल भरे हुए, मतलब लगे कानपुर। आपने तो किया ही होगा क्योंकि आप नागपुर में रहने वाले लोग हैं, धम्मनाथ सेंटर है, धम्म सुगति सेंटर है, यहाँ कामठी में भी सेंटर है जहां ड्रैगन पैलेस, तो अलग अलग तीनों सेंटर नजदीक में। तो आपने भगवान ने जो सिद्धार्थ गौतम निरंजन तट पर जो पर उसमें बैठ गए और स्वयं प्रयत्नों के आधार पर आलसी मार करके बैठ गए, कमर पीठ और गर्दन को सीधी करते हुए आंखें बंद कर दी, दोनों होड़ बंद कर दिए और जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास में सांस जो भीतर आता है भीतर से बाहर जाता है, आखिरी का सांस छूट गया तो मृत्यु, उसको ही मृत्यु कहा जा। ये तो अपने पास हमेशा होता है, जिंदे बनता यही जीवन जब तक है तो सांस, आखिरी का सांस छूट गया तो मृत्यु। यही जो अपने आप अपने स्वभाव से जैसे भी भीतर बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी बनाए रखे, यही काम कर ले। इसे आनापान सति का अभ्यास करते, कभी दाहिनी कभी बाई या दोनों नासिका के भीतर ये सांस आते जाते रहता है, कभी होता है कभी ऊंचा होता है, कभी बड़ी तेज रफ्तार से कभी धीमी गति से कभी स्थूल कभी सूक्ष्म, जैसा भी हो जिस क्षण जो सच्चाई है एक एक क्षण की सच्चाई को जानते हो। शुरुआत कितना चंचल चपल चित्त है, चंचल चपल चित्तों को कैसे वश मिला उनका संवर कैसे काबू कैसे पाए, तो यही अभ्यास अपने मन को चंचल चपल इस चित्त को मन को समाहित करने के लिए एकाग्र करने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने यह अभ्यास किया। अब और अपने चित्त को नितांत निर्मल करने की सारी प्रक्रिया खोजबीन की, जिसने भगवान के सैद्धांतिक पक्ष को थियरी को 37 अंग वाला पक्ष 37 बोधि पक्ष ऐसे कहा, ये सद्धर्म में 37 बोधि पक्ष ये सद्धर्म
सैंतीस अंगों वाला चार सती पट खंड कायन उपस्थाना विज्ञान उपस्थाना चित्तान उपस्थाना धम्मानुपस्थाना चार सम्मा प्रधान 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 भावना प्रधान अनुरक्त चार इद्धिपात चत्तादिपात छंद इद्धिपात विरिय इद्धिपात चित्त इद्धिपात मीमांसा इद्धिपात पंच बलानि श्रद्धा विरिय शक्ति प्रज्ञा समाधि पांच बल पंच इंद्रिया श्रद्धा इंद्रिय विधि इंद्रिय शक्ति इंद्रिय समाधि इंद्रिय प्रज्ञा इंद्रिय 17 और 5 22 हो 22 और सप्त भोजंग 7 बोधि के अंग भोजंग सति संभोजंग धम्म विषय भोजंग विरिय भोजंग पृथ्वी भोजंग पसद्धि भोजंग समाधि भोजंग उपेक्षा भोजन सप्त में 22 और 7 29 और आखिरी के हरियो अठंगिको मधु हरियो अठंगिको मधु कुल मिलकर के 37 अंग होते 37। इसलिए भगवान के इस सैद्धांतिक चिंतन को सैद्धांतिक पक्ष को 37 बोधि पक्षीय धम्म कहा जाए। यह थियरी हो गई। ये कोई व्यक्ति चार सती प्रधान को धारण करते, कोई व्यक्ति चार सम्यक प्रधान को धारण करते हुए, कोई व्यक्ति चार इद्धिपात को धारण करते हुए, कोई व्यक्ति पांच बल को धारण करते हुए, कोई पांच इंद्रियों को धारण करते हुए, कोई सप्त भोजंगों को धारण करते हुए, कोई अर्यो अठंगिको मग्गो, ये सारे विशुद्धि के मार्ग है, ये विशुद्धि के अंग है। सद्धर्म अपने आप में इतना परिशुद्ध और परिपूर्ण है, यही भगवान की देशना, यही भगवान का शासन है। इसीलिए शुरू शुरू में बुद्ध धम्म और संघ ये तीन रत्न शरण, इनके प्रति श्रद्धा ही नहीं। एक बार श्रद्धा ये शब्द आ गया तो वीर्य सती प्रज्ञा समाधि पांचों अंग जुड़े हुए, क्योंकि बोधि ये अंधभक्ति नहीं है, श्रद्धा बोधि का ज्ञान है। तथाता के आधार वाली यह श्रद्धा है, बोधि ज्ञान के आधार वाली श्रद्धा है, जो हमें निर्वाण तक पहुंचा देती है, निब्बाणं परमं सुखं। अच्छा हुआ कि मन के संशोधन के विषय में भगवान ने जो चित्त चैतसिक रूप एवं निर्वाण का यह 42,000 धम्म स्कंध में जो विस्तृत रूप से वर्णन किया गया, जहां जहां जाया करते वहां वे पटिच समुत्पाद ही कथन करते, अविद्या पच्चया संखार संखार पच्चया विज्ञान विज्ञान पच्चया नाम रूप नाम रूप पच्चया सायतन सायतन पच्चया फस फस पच्चया वेदना वेदना पच्चया तनहा तनहा पच्चया उपादान उपादान पच्चया भव भव पच्चया जात जात पच्चया जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पायासा संभवंती एवं एतस्य केवलस्य दुख छंदस्य समुदयो होति। 12 कड़िया दुख और दुख समुदाय की 12 कड़ी, इसलिए अनुलोम ज्ञान अनुलोम साधन। दूसरी 12 कड़िया दुख निरोध और दुख निरोध गायनी पटु पदा अच्छा यक्ष्मेव अस्ति स विराग निरोधा संखार निरोध संखार निरोधा विज्ञान निरोध विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोध नाम रूप निरोधा साधन निरोध सरान निरोधा हस्त निरोध हस्त निरोधा वेदना निरोध वेदना निरोधा तनहा निरोध तनहा निरोधा उपादान निरोध उपादान निरोधा भव निरोध भव निरोधा जाति निरोधा जरा मरण जाति निरोध जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनुष्य उपायासा निरुच्छन्ति एवं एतस्य केवलस्य दुख छंदस्य निरोधो होति। यह 12 कड़िया दुख निरोध और दुख निरोध दामिनी पतिपदा, जहां जहां भगवान जाया करते थे पतिच्य समुत्पाद यही सत्ता है। पतिच्य समुत्पाद वो धम्म विजानाती सो पतिच्य समुत्पाद जानाती यो पतिच्य समुत्पाद जानाती सो धम्म विजान पतिच्य समुत्पाद यही सत्ता है, जिसने पतिच्य समुत्पाद को जान लिया। ये पटिच्य समुत्पाद की कड़िया, ये
बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा इस राष्ट्र के झंडे पर यह 24 आरो वाला धम्म चक्र जो स्थापित किया है, यह पठान की कड़िया है। हेतु बच्चे जो आरंभ बच्चे अधिपति बच्चे अनंतर बच्चे सवनंतर बच्चे सहजात बच्चे अन्य मंजन बच्चे निश्चय बच्चे उपनिश्चय बच्चे पूरे जात बच्चे बच्चे जात बच्चे आसी मन बच्चे कम्ब बच्चे विपाक बच्चे आहार बच्चे इंद्रिय बच्चे ध्यान बच्चे उनग बच्चे संपयुक्त बच्चे विपयुक्त बच्चे अति बच्चे अति बच्चे विगत बच्चे एवगत बच्चे 2400 कारणों द्वारा प्रतीक्ष समुत्पाद की कर्मियों को सुलझा दिया। 14 प्रकारे अपने सद्धर्म को भगवान बुद्ध ने प्रकाशमान किया। 14 प्रकार ज्ञान दिया। दुख ज्ञान, दुख समुदय ज्ञान, दुख निरोध ज्ञान, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा ज्ञान। दुख का ज्ञान क्या है? दुख का समुदय के ज्ञान का, दुख के निरोध का ज्ञान क्या है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का ज्ञान क्या है? यह केवल और केवल जो महापुरुष होते हैं 32 लक्षण और किसी को ही अनुसंधान करना आ जाता है और अन्य किसी व्यक्ति को नहीं, केवल सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाले महापुरुषों को ही यह ज्ञान अनुसंधान। ज्ञान की गंगा इसलिए चीटी चक में बहती है, शुद्ध पिटक विनय पिटक और भगवान का जो कहना है, भगवान का प्रतिपादन है, यही तो बुद्ध का शासन है। अंतिमतः यह निर्वाण परम सुखम सबका, चाहे वो गृह हो या नित्याय हो, सबका एक क्या होता है? निर्वाण का साक्षात्कार। कौन दुख रहना चाहता है? किसी संप्रदाय का कोई व्यक्ति दुख में रहना चाहता है? बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मेरे दुख से, सारे दुखों से छुटकारा पा करके मैं अंतिम तरह निर्वाण का साक्षात्कार करूं। हर व्यक्ति को तो चाहत होती है कोई व्यक्ति बंधन में नहीं रहना था, लेकिन वह काम ही नहीं करना है। इसीलिए कहा गया है, दुर्लभ हो बुद्धो उपादो इमस्मिन लोके। दुर्लभ है बुद्ध का उत्पन्न होना इस लोक। जब कहीं बुद्ध ही उत्पन्न होते तो ही इस सभी दुखों से छुटकारा पाकर अंतिमतः निर्वाण का साक्षात्कार कैसे, यही शिक्षा केवल भगवान ही दे सकते, अन्य कोई नहीं। जब भगवान संघ का उत्पाद करते हैं, संघ का निर्माण करते हैं, तो संघ के संपर्क में जो आते हैं, संघ के संपर्क में जाते तो वही संघ जो मार्गदर्शक के रूप में, कल्याण मित्र के रूप में ये सारे दुखों से, प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर अंतिमतः निर्वाण का साक्षात्कार कैसे करे, इसका मार्गदर्शन करते करते जितनी सारी बाधाएं उन बाधाओं को कैसे दूर करना, यह सारी दसों मार बाधाएं। सबका सिल्वर परामर्श, सबका सिल्वर परामर्श, काम छंद व्यापार शील विद औदत्य कौकुत्य रूपराग अरूपराग मान और अविज्ञा, इतने सारे 10 बंधन होते हैं और ये मार बंधन है। धम्म यानी सीधी साधा प्रोग्राम नहीं है, ये मार के खिलाफ लड़ाई है। इसलिए हम बार बार चैत्य वंदना बोलने के बाद प्रथमं बोधि पल्लंगं द्वितीयं अनिमिषं तृतीयं शंकमणं सेठं चतुर्थं रत्नाधरं पंचमं अजपालचं विचलिं देन छठमं सप्तमं राजायतनं मुनिसेवित महादयो महासत्तु बोधि ले निसी दिए पंच मारे पराजित्वा तो संबोधिं उत्तमं। पांचों मारों को पराभूत करते हुए भगवान ने
बुद्धत्व प्राप्त किया है। महाकारुणिको नाथो हिताय सब पाणि पुरेत्वा पारमी सब्बा पत्तो शंभु थिंग उत्तम महारुणिक लोकनाथ ने सभी प्राणियों के हित सुख के लिए 300 पारमिताएं, 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमार्थ पारमिताएं, 300 पारमिताओं का पहाड़ करते खड़ा करते हुए जब ये 80 अनुव्यंजन उनके बन पर स्थापित हो जाती है, आखिरी के जीवन में परिपूर्णता छा जाती है। परिपूर्णता छा जाती है सबने संबोधी को उत्तम प्रकार संबोधी का ज्ञान स्वयं प्रयत्नों के आधार पर प्राप्त करते हैं। इसीलिए स्वयं गुरु होते हैं, उनका कोई गुरु नहीं हुआ करते। सम्य संबुद्ध के कोई गुरु नहीं हुआ करते। पच्चे पुत्र उनके भी कोई गुरु नहीं हुआ करते, लेकिन वे 20 पारमिता, 10 पारमिता और 10 परमार्थ पारमिता, 20 पारमिताओं का पहाड़ खड़े खड़ा करते हुए वे भी लक्षण युक्त होते हैं। लेकिन उन दिनों मनुष्य लोग हो या देवता लोग हो, उनमें यह चित्त इतना स्थूल होता है उनका, जो धम्म श्रवण ही नहीं कर सकते। अब जो व्यक्ति धम्म श्रवण ही नहीं कर सकता तो भला धारणा की तो बात दूर रही। इसलिए वो अकेले व्यक्ति है, 25 बुद्ध अकेले ही मुक्त हो जाते, इसलिए उनको 25 बुद्ध कहा। वे भी सारे आश्रमों से मुक्त हो गए, कामाश्रव, भवाश्रव, दृष्टाश्रव और अविद्याश्रव, सारे आश्रमों को दूर कर लेते, संबुद्ध है 25 बुद्ध। और जिन्होंने बुद्ध शासन में रहते हुए अर्हत्व प्राप्त कर लिया हो, अर्थात बुद्ध शासन में अर्हत्व प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सावक बुद्ध कहा जाता है, सावक बुद्ध। इसी तरह उन्होंने भी आश्रम क्षय कर लिया होता, सम्य संबुद्ध, बुद्ध, सावक बुद्ध, यह तीनों सत्व ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने सारे कामाश्रव, भवाश्रव, दृष्टाश्रव और अविद्याश्रव, सारे आश्रव दूर करते हैं, इसीलिए उनका भव नहीं होता। नथी ताई पुनर्भव, उनका पुनर्भव नहीं है, उनका पुनर्जन्म नहीं है। और बाकी सब लोगों का फिर से जन्म है। इसीलिए सबसे बड़ा रोग कहा गया है भव रोग। देखो भगवान का शासन, बुद्ध शासन है, सबसे बड़ा रोग है भव रोग। भव का अर्थ समझिए, भव तू सब मंगल, आप सभी मंगल हो, बोलता ना हो वो भव। भव रोग यानी जन्म लेना, जीना और मृत्यु को प्राप्त होना, मृत्यु के उपरांत फिर से जन्म लेना, फिर से जीना और फिर मृत्यु को प्राप्त करना, फिर से जन्म लेना, इसी को ये कहा गया भवरो। हम लोगों का विश्वास नहीं, वो देख लिया यार, देखने वाले हैं। तो जिन्होंने अर्हत प्राप्त कर लिया हो, उनके पास वह दृष्टि होती है, वो देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति कहां तक के उनकी पहुंच गई, कहां तक के वह पहुंच गया। हम सभी लोग मनुष्य लोग करके जन्म हुए हैं, दुर्लभ हो। भगवान ने बात कही, मनुष्य का जन्म भी कितना दुर्लभ है, दुर्लभ। अगर मनुष्य करके हमारा जन्म नहीं हुआ होता तो इस सद्धर्म कहां से सीखने को मिले। मनुष्य और देवता लोग ये ऐसे होते हैं जो सद्धर्म को धारण करते हुए धर्म में श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी या अर्हत्व प्राप्त कर सकते हैं, और प्राणी नहीं।
देवता लोग ये शब्द आ गया तो देवता, वो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर जो 22 प्रतिज्ञाएं थी संभल करके, नहीं तो आप कहेंगे जैसे तीनों प्रतिज्ञाएं शुरू, मैं ब्रह्मा हूं और महेश को देवता नहीं मानूंगा न उनकी उपासना करूंगा, मैं राम एवं कृष्ण को देवता नहीं मानूंगा न उनकी पूजा करूं उपासना करूं, मैं गौरी और गणपति और अन्य जितनी सारी देवताएं हैं उनकी मनगढ़ंत काल्पनिक मनगढ़ंत वाली उन सबको नकार, न वो देवता है न उनका उपासना करता हूं न उनकी उपासना करता। ये तीनों पहली जो प्रतिज्ञा है, तीनों प्रतिज्ञा है, क्योंकि इतनी सारा जो अंध श्रद्धा से भरा हुआ भंडार है, ब्राह्मीणवादियों ने जो मनगढ़ंत कहानियां रचा रचा करके जो लोगों को गुमराह किया, कैसे जन्म होता है वो कहीं ब्रह्मा हो, अरे बोले कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, बाहुओं से क्षत्रिय पैदा हुए, जंघाओं में से वैश्य पैदा हुए और पैरों में से शूद्र, हमारे मातृशक्ति या और जो अति शूद्र है उनका पता नहीं वो कहां से आकाश से तप के पता नहीं, लेकिन ब्रह्मा से वो गुरु ने निर्माण नहीं किया। यह बाबा साहब ने जब मनुस्मृति पढ़ी तो बाबा साहब कैसे विश्वास करता, क्योंकि अभी भी इतने भ्रम भ्रांति में लोग जीते, यह मिथ्या धारणा है जीवन की। भगवान ने इसीलिए अपने सद्धर्म अंधवती को किसी किसी हमने वैज्ञानिक किसी विषयों का संशोधन करते हैं तो कल्पना का सहारा लेते, भगवान ने कल्पना नहीं की, ये स्वयं प्रयत्नों के आधार पर अनुसंधान किया तो कल्पना नहीं की, तथा के सहारे चलने वाले तथागत हुआ था, शुरू से लेकर अंत तक तथागत ने तथता का ही सहारा लिया, सत्य का ही सहारा लिया। क्या होता है सत्य, यह जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास में ये सांस हुआ करता, कल्पना है, कल्पना नहीं है, तथता है भाई, शुरू से लेकर अंत तक सांस आ रहा है यार, कल्पना नहीं है। और ये सांस पर को इस सांस पर से ध्यान करते 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 मन को पंचर मन को पकड़ लिया, आंखों से देखने वाला, कान से सुनने वाले, जीवा से चखने वाला, शरीर से स्पर्श की से जानकारी प्राप्त करने वाला और चिंतन मनन करने वाला ये मन है ना, ये बाह्य मन है, अंतर मन हमारा ही है लेकिन हमको मानने के लिए राजी नहीं, हर व्यक्ति इसलिए अपने मन के स्वभाव के आधार पर, सब व्यक्ति अपने मन का गुलाम होता है, अपने स्वभाव का गुलाम होता है। आप सभी लोग राग मूलक, देश मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक स्वभाव वाले हो, श्रद्धा मूलक स्वभाव वाले नहीं हो, श्रद्धा मूलक स्वभाव ही शुद्धता जानने वाला जो व्यक्ति चारों आर्य सत्य का साकार करता हो। मेरा प्रश्न है कि आप सभी ने या किसी किसी ने कोई आर्य सत्यों का साक्षात्कार किया है, किसी ने किया है तो हाथ ऊपर उठाइए, अच्छा ना उठाए क्योंकि ये बताने वाली चीज नहीं है ना। जिसने भी आर्य सत्य का साक्षात्कार कर लिया हो वो बोलते ऐसे इसी को, एक दूसरे को बोलते रहते नहीं, सुख होता है, ये चार सत्यां होती है ना जो रोजाना संगवदना में हम बोलते हैं, अर्थापन्न श्रोतापन्न मार्गस्थ फलस्थ सकदागामी मार्गस्थ फलस्थ मार्गस्थ फलस्थ अरहत मार्गस्थ फलस्थ पुरुष पुत्र, ये आठ पुरुष पुद्गल लोकोत्तर चित्त को अनुभव करने वाले, इसलिए वो आर्य पुद्गल कहे गए हैं, आर्य मार्ग आर्य धम्म धारण करते इसलिए ये आर्य पुद्गल कहे गए,
हमने आर्य शब्द को सुना तो हमारा माथा भड़क जाता। वो आर्य लोग कहां से आए? उधर से यूरेशिया से, वो खैबर खीण से यहाँ आए। उन्होंने हम पर मूल निवासियों पर आक्रमण किया और हम पर राजकर्ता बन गए। तो मूल निवासी पर बौछार इतनी ये हो जाती है तो हमका उतावलापन बढ़ जाता। लेकिन मूल शब्द अर्य भम्मो, अर्य अर्थांगी को मद्गो, अर्य का मतलब नोबेल ट्रुथ, अर्य सत्य। आर्य सत्य का साक्षात्कार कैसे करना? कोई व्यक्ति देवता हो या मनुष्य हो, आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए ही अपने मन के स्वभाव को बदलने में वह कामयाब हो गया है। वह एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्यता का ही व्यवहार करेगा, अपनी भी हानि ना हो औरों के लिए हानि ना हो, ऐसे ही कर्म करेगा। और हम तुम लोग तेरी लेन पर उतर जाते, दो व्यक्ति एक नहीं है, एक माँ के दो बेटे होने के बावजूद एक नहीं, एक कलेजे के दो टुकड़े होने के बाद भी एक नहीं है। हमारा एक मित्र इस देश का सुरक्षा मंत्री हुआ था, प्रमोद महाजन, ये आरक्षण के सिलसिले में धनवटे रंग मंदिर में उस समय में रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन का सेक्रेटरी था, स्टूडेंट विंग का। तब वह स्टूडेंट विंग का वह अध्यक्ष था प्रमोद महाजन। दोस्ती टूट गई हमारी जब वो उन्होंने राम रथ यात्रा निकाली तो हमारी दोस्ती टूट गई। तो भला होता है, लेकिन उन्हीं के ही सगे भाई ने गोलियों से भून करके उनकी हत्या। ये एक भाई सगा रहा लेकिन हत्या कर सकता है, इतना क्रोध द्वेष इतना बढ़ जाता है कि भाई भाई का खून कहां गया है? ये रिश्तेदारी कहां गई? खून का रिश्ता कहां? तो खून का रिश्ता भी भुलभाल जाते हैं, दो व्यक्ति एक नहीं है। इस नतीजे पर सिद्धार्थ गौतम पहुंचे। बोधि प्राप्त करने के बाद हर व्यक्ति अलग अलग स्वभाव वाला होता है और 390 प्रकार के स्वभाव वाले ये लोग होते हैं, सभी लोग विश्व के। ये स्वभाव वेदनाओं के आधार पर बनाते हैं। जिन जिन लोगों ने विपश्यना का शिविर किया हो, देखो वेदना पच्चैया तनहा, वेदना पच्चैया तनहा, सुखा वेदना आई, विपश्यना का ध्यान करते करते मन भोक्ता भाव में रमन करने लग जाता है और प्रतिक्रिया करके आसक्ति की राख की गांठे बांधने का काम। दुखा वेदना आई, मन भोक्ता भाव में रमन करने लग जाता है और प्रतिक्रिया करके देश की गांठे बांधने का काम करते। और दुखा असुखा न्यूट्रल वेदना ही खेलेगी, मतलब धारा प्रवाह होता ना, उन्हें कहीं अधुका अशुका संवेदना कही गई। जो अधुका अशुका संवेदना आई तो इसने मन भोक्ता भाव में रमन करने लग जाता है और मोह मूढ़ता की गांठे बांधने लग जाता है। इसीलिए वेदना पच्चैया तना, हर मनुष्य या मनुष्य तक पाणी यही काम करते रहते हैं, एक ही काम करते हैं कि जब बुद्ध उत्पन्न होते बोधि ज्ञान का अनुसंधान करते वेदना पच्चैया पाणिया। जिस वेदनाओं के आधार पर मनुष्य या मनुष्य तक प्राणी बेहोशी में रह करके सुखा वेदनाएं तो रात के, दुखा वेदनाएं तो देश के, अधुखा सुखा वेदनाएं तो मोह मूढ़ता के भोक्ता भाव में रह कर वे गांठे बांध बांध कर अपने दुख चक्र को, भव चक्र को, लोक चक्र को, दुख चक्र को, भव पच्चैया पाणिया, वेदनाओं के आधार पर प्रज्ञा जगा। क्या होती है प्रज्ञा? अनुभूति वाला ज्ञान, केवल सुना हुआ ज्ञान नहीं, सूतमय ज्ञान नहीं, केवल चिंतनमय ज्ञान नहीं, चिंतनमय ज्ञान को सीमा होती, प्रज्ञा को सीमा मिली। अनुभूति उतरने वाला उतार देखने वाला ज्ञान, भावित तपंती में भी फल अनुभूति पर जो उतार करके देख लिया जाता वही भावित किया जाता है। अभी करने का मतलब अनुभूति पर उतार लिया जाए, उतार करके अनुभूति पर उतार करके अनुभव करके देख लिया जाता, इसी को ही भावनामय ज्ञान का है। ये भावित ज्ञान जो अपने स्वयं को निर्वाण तक पहुंचाने,
इसीलिए प्रज्ञा संखारा अनिच्छा सबसे संखारा दुख खाती सबसे धम्मा अमृताती यदा पंजाय दुख सभी संस्कार अनित्य सभी संस्कार दुख है सब धर्म अनात्म है। यह बोधी को ये बोधी के अंग को धारण करने की प्रक्रिया से गुजरता तीनों लक्षण है प्रज्ञा के तीनों लक्षण अनित्य क्या है दुख क्या है ये अनात्म क्या है। अनित्य ज्ञान के आधार पर अनित्य का बोध करते हुए बोधी ज्ञान को धारण करने की प्रक्रिया इसी को ही प्रतिसंख्या ज्ञान कहलाया गया। एक बार कठिन वाक्य अनित्य ज्ञान के आधार पर अनित्य का बोध करते हुए बोधी ज्ञान धारण करने की प्रक्रिया प्रतिसंख्या ज्ञान कहलाया। दुख ज्ञान के आधार पर दुख का बोध करते हुए भी ज्ञान धारण करने की प्रक्रिया यह संख्या ज्ञान है। अत यानी मैं अनत यानी मैं नहीं हूं मेरी काया मेरा मन इसको मैं कहूं मेरा कहूं क्या मेरा कहने लायक ये अनात्म है। इस शरीर के भीतर कोई ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा नहीं है ये ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा यह केवल काल्पनिक एजेंडा तथता नहीं है। भगवान इस नतीजे पर एक एक करके यह बोधी ज्ञान को धारण करने के समय जिस शरीर को मैं कहता हूं मेरा मेरा कहता हूं अरे यह अग्निवायु जल और पृथ्वी धातुओं से बना हुआ है जो तरेंगे तरेंगे ना ये स्थूल शरीर विपश्यना ज्ञान के आधार पर विपश्यना का अभ्यास करते हुए शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करके देखना यही अनित्य लक्षण है। कथमात्र रिक्थवे अनित्यं ज्ञान दुखे यान दुख समुदय यान दुख यान दुख निरोध रानिनी प्रतिपदा ज्ञानंती इति उच्यते इति निकवे सम्मादित्ति। और व्यक्ति इस कदम पर पथ चलते चलते सम्मादित्ति सम्मादित्ति साथ में रख करके चलना है। सम्मा वीर्य साथ में रख करके चलना है इसको व्यायाम कहा गया। सम्मा सती साथ में रख करके चलना है कैसे चलेंगे मतलब चलने का मतलब है कर्म करना और कर्म काया वाणी मन के द्वारा किए जाते हैं। जिसने अनु सत्य का साक्षात्कार किया हो वही परिपूर्ण हुआ क्रांति इसे कहते क्रांति अपने मन के मूल स्वभाव को बदलने की बात यह क्रांति कहलाई। मनुष्य करके रचना हम सब लोग मनुष्य करके जन्म भी हुआ हो लेकिन हमको एक दूसरे के साथ में मनुष्य के समान बर्ताव आचरण करना नहीं आया। जो व्यक्ति चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार करता हो सोता पन्न सकल अनादि अनादि और मार्गस्थ हो या फल अर्थपुरी समझ गला ये अर्य पुरुष कहलाता है। जो व्यक्ति आर्य सत्य का साक्षात्कार करता है वो अर्य कहलाता न चो होती अर्यो कौन होती अर्य जन्म से कोई आर्य हुआ नहीं करता लेकिन अब जहां मोहनजोदड़ो हो हड़प्पा हो आप जाकर के आइए वहां खुद का मीडिया है वहां जो तीले दिख रहे हैं वहां पर काश्यप बुद्ध का निशान काश्यप बुद्ध का ककुसंद बुद्ध का गमन बुद्ध के बड़े बड़े महास्तूप मिले सात भाई बारह की भिक्षुओं की कुटिया नहीं गई है। इस ब्राह्मण वाली सरकार ने उस सैंधव संस्कृति का नाम बदल करके सरस्वती संस्कृति रखा। मैं उन दिनों दिल्ली में ही था निषेध किया था विकृतिकरण है क्योंकि सैंधव सिंधु सागर नदी चंद्रमा तो यह प्राचीनतम काल में सिंधु और हिंदू इस शब्द में कोई तालमेल नहीं है कोई किसी प्रकार का तालमेल नहीं है। सावरकर ने जो लिखा है वो उनका अंडरस्टैंडिंग है उनका मिथ्या अंडरस्टैंडिंग है मिथ्या ज्ञान है। सिंधु और हिंदू से कोई संबंध नहीं है। सिंधु शब्द अलग है हिंदू शब्द है। हिंदू यह शब्द मूलतः ईरानियन ईरान जिसको पर्शिया कहा गया
पर्शियन लैंग्वेज, ईरान की भाषा, यह पर्शियन वर्ड है हिंदी शब्द हिंदू। हिंदू का मतलब होता है, अभी एंड्रॉइड मोबाइल है आपके पास में, देख लीजिए क्या क्या है, कितने गंदे गंदे अर्थ है। हिंदू यह शब्द जब पर्शियन लोग, मुस्लिम राज सत्ता करने वाले लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा। हिंदू का मतलब है गुलाम, काला, दास, चोर, लुच्चा, लफंगा, इस अर्थ में लिया है। चोर, लुच्चा, लफंगा, गुलाम, काला, दास, गुलाम के संदर्भ उचित बात नहीं है, लेकिन ब्राह्मीणवादियों ने अपने ब्राह्मीण धर्म को, ब्राह्मीण संप्रदाय को उन्होंने हिंदू करके हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि कहने लगे दो धर्म टोटल हिंदू। तो यूरोपियन लोग वह हिंदू बोलने में बड़ी तकलीफ जाती है, जब अंग्रेजी लोग आए तो वे दो धर्म टोटली हिंदू, तो हिंदू इंडस इंडस इंडिया। इसी तरह हिंदू शब्द का ही अपभ्रंश इंडिया है। ब्रिटिश जब राज करता थे तो ब्रिटिश इंडिया इस कॉलोनी का नाम था। इंग्रेज छोड़कर गए तो ब्रिटिश यह शब्द कट गए और बाबा साहब ने इंडिया संविधान में लिखा, इंडिया दैट मीन्स भारत। तो हम इसीलिए हम भारतीय कहेंगे। वैसे हिंदुस्तान कहना कानूनन जुदा होता है, इस देश को कोई लोग हिंदुस्तान कहते फिरते हैं ना, वैसे कानूनन जुदा होता है, कहते माता लेकिन कहते ही जबरदस्ती क्या करेंगे। तो इसी तरह अभी तो वो छोड़ करके चले गए ना, अभी तो सिंधु नदी का हिंदू तो नहीं बता रहा, अभी तो सिंधु ही, क्योंकि सिंधुस्तान तो भी कहना चाहिए था ना, ऐसा नहीं हुआ ना, सिंधु नदी नहीं करके वो नहीं पुकारा गया, तो सिंधु सेंधे, सिंधु सागर के उपमा दी थी सद्धांग को, जैसे सारी नदियां इतनी बड़ी नदी समंदर में घुल नहीं जाती है कि ये नदी है कि वो नदी है, सागर का रूप धारण करके धर्म की उपमा ऐसे होती है, सागर के समान होती है, वर्ण विहीनता की सारी प्रक्रिया होती है, सारे वर्ण का विघटन विश्लेषण होता है, वर्ण विहीन समाज व्यवस्था निर्माण हुई थी सिद्धार्थ गौतम के समय, जो बुद्ध को प्राप्त हुए, अलग अलग लोग उनके संपर्क में आए, जो दास शूद्र प्रथाएं थी उन दिनों, वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण विहीन व्यवस्था निर्माण हो गई है, इसमें नारी जाति को कितना सम्मान दिया गया, तो नारी भी दीक्षित संघ में प्रवेश कर गई। बाद में आज तक के इतना कठोर और कटु नियम बनाए गए, जब इस देश में 1250 वर्ष बुद्धिस्टों का राज, अलग में देवानों की ये रस सम्राट अशोक, जिनके काल में सोने की चिड़िया कहता है, ये दसो मौर्य राजा बड़े धार्मिक राजा, उन दिनों दसो धार्मिक राजा सम्राट अशोक के जमाने में प्रथम बुद्ध शासन में इतना फूला फल गया, सारे देश विदेश में अर्धक भिक्षुओं को भेज करके तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला इत्यादि 19 विश्वविद्यालय बड़े बड़े, जिनमें बोधि ज्ञान का अभ्यासन करने के लिए, बोधि ज्ञान का आधार धारण करने के लिए, बोधि ज्ञान को पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे, सोने की चिड़िया कहलाई। लेकिन बाबा साहब 1 जनवरी 1927 को पहली बार भीमा कोरिया और बाबा साहब को शमन संस्कृति यानी ब्राह्मण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति की दरार इतिहास को भूल भाल जो जाते हैं,
इतिहास बना नहीं पाते, नहीं निर्माण कर पाते, भूल भाग गए लोग। इसीलिए बाबा साहब ने 1 जनवरी 1927 को पहली बार विशेष तब प्रोजेक्ट गए और इतिहास की धारा को संशोधित कर पाए। हम पराभूतों का इतिहास, हम पराभूत हुए हैं। सारे लोग कुंडी ठेली मानी दो आसुता जमार ये ब्राह्मण बहिष्कृत आदिवासी भटके विमुक्त और जितने सारे धर्मांतरित मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, ये सारे नागवंशीय लोग थे। प्राचीनतम काल में ये सारे नागवंशीय लोग थे और ये नागवंशीय लोग भगवान बुद्ध के सदर्भ के वारसदार थे। ऐसा बाबा साहब ने कहा, गुलामों को वह एहसास करा दो कि वे गुलाम है, जल छिड़े। बाबा साहब ने गुलामों को गुलामों की बेड़िया तोड़ने के लिए जो एहसास करते हैं गुलामी की, उसके लिए 13 अक्टूबर 1935 को नासिक जिले में येवला ने महारूपी स्वतंत्र परिषद बुलाई। 35,000 लोग जिस परिषद में, और बाबा साहब ने वहां पर घोषणा की गलती से जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं, लेकिन जीना और मरना मेरे हाथ में, मैं कभी हिंदू बन करके न जीऊंगा न मरूंगा। और उन्होंने अपनी भीम प्रतिज्ञा 21 साल के बाद नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर पूरी की। 14 अक्टूबर 1956 कौन से दिन? विजयादशमी, जिस दिन देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक की धम्म दीक्षा हुई थी। जिस दिन धम्म दीक्षा हुई थी वह दिन अभी बदलना नहीं है। सम्राट अशोक की धम्म दीक्षा हुई थी वह दिन धम्म विजय दिवस कहलाए, विजयादशमी, धम्म विजय दिवस। अपने हाथ के सारे हथियार डाल दिए और भगवान के सद्धर्म को अपनाए, वो गली खुद अतिशय वह विजयादशमी कहलाया गया। सम्राट अशोक जिस दिन यह सद्धर्म का स्वीकार कर दिए वह बदलने का नहीं। देखो बाबा साहब उसके पहले ही बुद्ध जयंती के अवसर पर ही 1956 में पंढरपुर में ही धर्मांतरण का बहुत बड़ा प्रोग्राम वही पर करने वाले थे, लेकिन नहीं हुआ। कुछ करेंगे भी वही पर म्यांमार में थी। 1956 से लेकर 1956 तक 2 साल तक 2500 भिक्षुओं ने इकट्ठा होकर के भगवान के 21,000 सूत्र पिटक की धम्म स्कंध, 21,000 विनय पिटक के और 42,000 अभिनंदन पिटक के धम्म स्कंध का पारायण किया। 2 साल तक पारायण किया 2500 भिक्षुओं ने इकट्ठा करके। बाबा साहब इनमें आखिर के दिनों में थे। शिवोद भंडारा में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, बाबा साहब सुनने को मिला, निराश नहीं हुए, लेकिन वही पर घोषणा थी। बाबा साहब ने कहे कि देश की हालत इतनी बेकार हो गई कि हम भुलभाल गए भगवान बुद्ध को, इतिहास ही गवाह बैठे, हम पराभूत हुए। तो पराभूतों का इतिहास, हम गुलामों को एहसास करा दो जब छेड़ेंगे। महान लोगों ने दोनों हाथ ऊंचा उठाते हुए बाबा साहब को समर्थन किया, धर्मांतरण का समर्थन। उसी सभा में सह्याद्री कुंड पुराण के कुछ दाखले दिए। सह्याद्री कुंड पुराण मराठी में, महाराष्ट्र में पढ़ना चाहिए आपने, आरएसएस के लाइब्रेरी में है रेशम बाग। अब कौन जाकर के पढ़ेगा, क्योंकि मुंबई मराठी में जो सह्याद्री कुंड पुराण था वो भी पिछले बार गया तो वहां किसी ने गायब किया पता नहीं। बाबा साहब ने 1335 जब येवला में सभा दी, उन दिनों बाबा साहब ने ग्रंथ के संदर्भ दी कि ब्राह्मणेतर आदिवासी भटका विमुक्त बहिष्कृत लोग और धर्मांतरित होने वाले जो लोग, उनके इतनी गाली गलौज देने वाली जो मुहावरे होती है, मन मराठी में कहा जाता, तो मराठी में इतना वर्णन किया गया है। क्या है ये? कुणबी समाज, कुलवाड़ी समाज जिनको कहा जाता है, कुलवाड़ी कुड़ावर जगनारे लोग, उन भी लोगों के लिए क्या रचना चाहिए पता है? उसमें लिखा गया मराठी में कुंभटम धस्कटम अक्कल थोड़ी आणि बायको जिथून घेतली भोडी,
गेला तो रुंदेशी नाही तर आला तर धोंदेशी. एकातरी कुठच्याही वाच आमचे महामद देशमुख प्राध्यापक मानव त्यातून त्याचे पोट धरून हसत. बाबांनी आमच्या विषयी काय लिहिलं म्हणजे वाईट वाईट घाण होतं टोकली म्हणजे कितना गंदा गंदा लिखा कितना गंदा गंदे अक्षर होते कुंभट हस्कट अक्कल थोडी बायको विकून घेतली घोडी गेला तर रुमनेशी नाही तर आला तर ढोंगनेशी. पारंपुळेला माहिती आहे का सकाळी उठल्याबरोबर सगळ्यांची तोंड पाहावी मराठीने लिखा पण त्यांची तोंड पाहू थोडा त्या होतो. आज भी हमारे मामा मोहन भागवतजी आहे ना वह सुबह सुबह उठे बराबर नरेंद्र मोदी को देखने के लिए नहीं देखना था क्योंकि वो तेरी अब कागज में लिखा हुआ है तेरी है कि नहीं पता नहीं लेकिन कागज में लिखा हुआ है वो तेरी है वो भी फ्रॉड सर्टिफिकेट है जरा ये पता नहीं और सारी डिग्री फ्रॉड क्या करते हैं. तो सुना है ये एक समय की ये कुर्मी लोग तेरी लोग बुद्धिशी लोग थे भगवान बुद्ध के सद्धर्म के अनुयायी थे वारसदार क्या घृणित शब्दों में उनका वर्णन किया गया जैसे मुहावरे रचे सोनार सख्या बहिरी की खाना किसी सोनार ने पढ़ लिखा पढ़ते मान महा कुशल चबा गोल गोवारी जात गोवारी गोल गोवारी माना म्हणून शिकत नाही आणि डुकर सरक शिकत नाही कलार कोळी मराठा सोनार भिवराची छोटी आता मी भिक्षू झालो मी आता भिक्षू बन गया तो बोल नहीं पाता हूं क्या क्या करूं पाबंदी आ गई नहीं तो हम हमारे मुस्लिम समुदाय के बंधुओं को क्या कहा पता है बांडा मुसलमान आणि काही खरं नाही तो इतने गंदे गंदे शब्दों में मुहावरों में गड़ी किया गया. तो गुलामों को मैं एहसास करा दो के लिए गुलाम है जंग छिड़ेंगे बाबा साहब ने से अग्नि का विस्तर तुम्हें विष्णुदेव का जागृति का जागृति का हमला कभी पूछने ना पाया ऐसे कर्म करते ये सारे गुलाम लोग हैं ब्राह्मण वादियों के शिकार बन गए. आखिरी का सम्राट बृहद सम्राट अशोक का परपो था यह मौर्य सम्राट आखिरी का 2 साल राज्य से जिस दिन दशहरा मनाते हैं ये लोग आप भी दशहरा मनाते हैं ना विजयादशमी मतलब वह दिन था धम्म विजय दिवस जिस दिन सम्राट अशोक का अशोक की धम्म दीक्षा हुई थी इसलिए विजयादशमी कही गई. तो वहीं से ही प्रोग्राम शुरू होता है कठिन दान का कठिन शिवदान के कार्यक्रम शुरू हो जाते 7 दिन की छुट्टियां लेना शुरू कर देते लोग क्योंकि धम्म दीक्षा का बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम बहुत गड़बड़ चला था सम्राट अशोक के समय. तो वही दिन था धम्म विजय का ब्राह्मणवादियों ने वही दिन चुन लिया और कौशल्य भी हो पुष्य मित्र सिंह ये ब्राह्मण थे इस सेना में भर्ती हो गए विश्वास संपादन किया कई कई स्तूपों की डाकुटी भी की यहां तक की विश्वास संपादन किया सर सेनापति बन गए और इनकी जो हथियार है सम्राट बृहद्रथ के हथियार छीन लिए उसको हरा दिया इसलिए दशहरा आणि 10वा राजा हरला और 10वा राजा हर गए हथियार बंद जो हथियार हथियार उसके पास छीन लिए गए हथियार छीन लिए जाने के बाद में बंद करके सारी सेनाओं को कब्जे में कर दिया और ठीक 15 दिन के बाद जिस दिन सम्राट अशोक देवानंद सम्राट अशोक ने
84,000 धम्म स्कंध के आधार पर 84,000 महास्तूप बनाए, और महास्तूपों में जो 6 प्रकार के महास्तूप बड़े बड़े बने थे, एक देवता लोक में नाग लोक और एक अवंतिशा देवता लोक, वहां के स्तूप खोल नहीं पाए। भाई 6 महास्तूप खोले और 84,000 एक समान विभाग किए और 84,000 यहाँ महाविहारों में यह स्थापित की। ये पुराने जितने भी राक्षसों ने बांधे हुए जो मंदिर दिखे ना, वो पुराने सम्राट अशोक ने बांधे हुए बुद्धविहार है, महाविहार है, जितने सारे पुराने। तो 84,000 महाविहार कहाँ है? 25 दिसंबर 1956 में बाबा साहब ने मूर्ति की प्रतिष्ठापना करके देहू रोड में बताई बात कि पंडरपुर का ये भगवान बुद्ध का ही मंदिर है, मैं सिद्ध कर दूंगा। बाबा साहब ने बात कही थी, पंडरपुर का यह बुद्ध विठल या और दूसरा कुछ नहीं है, बुद्ध ही है, वह मंदिर भी है। जो खंभा, जो खाम खंभा बोला जाता हूँ गरुड़, वह वहां पर स्तूप जो पाली लिपि में लिखा हुआ है, धम्म लिपि में, लोग ऐसे खिता खिता कर जाते रहते थे। और उसमें मूर्ति विठल की मूर्ति के बाई साइड भी धम्म लिपि में ऐसा लिखा है। वहां का लिखा कहाँ का है? यहाँ जो अनुपिटक कहा गया है महावंश चौथे संग्राम के बाद, महापिटक जो अनुपिटक कहा गया है महावंश में, ये रपट आई हुई है तीसरे संग्राम के बाद मोगली पुत्र शिष्य द्वारा। सम्राट अशोक के उपस्थिति में मोगली पुत्र शिष्य ने महाधर्मरक्षित इस यवन भिक्षु को, यवन यानी ग्रीक का भिक्षु था वो, अरब भिक्षु थे, यवन भिक्षु थे, ग्रीक के भिक्षु थे, और वह ग्रीक के भिक्षु महाधर्मरक्षित इनको महारक्षा में भेजा। जाकर के पढ़ लीजिए कहा वही पाटलिपुत्र शिवालय में लिखा हुआ है। और जो गढ़ है ना चौरागढ़ पचमढ़ी जिसको कहा जाता है, महादेव नाम के भिक्षुओं को चौरागढ़ को पचमढ़ी वहां भेज दिया गया है, वो अरब भिक्षु थे। जब मराठी में संत तुकोबार की बात लिखी, जवान नौत चराचर किंवा वसवन पंडरपुर, वहां पर कुछ नहीं रहता, तो चंद्रभागा नदी के तट पर मोगली पुत्र शिष्य द्वारा महाधर्म रक्षित को भेजकर उनकी उपस्थिति में उनकी पाया धरने से भगवान का जो महाविहार उत्पन्न हुआ, महाविहारों की मूर्ति की प्रतिष्ठापना जिनके ही कर कमलों द्वारा हुई, उनका जो सरपर का जो टोप है ना, उन्हीं नहीं ग्रीक से महाधम्म रक्षित ने लाया गया था। यह बात महावंश में आई हुई है। देखिए तो बाबा साहब इसलिए बल पर से कहते हैं कि मैं सिद्ध कर दूंगा, ये स्तूप है, ये बुद्धिया है। ऐसे धम्म लिपि में विठल मंदिर के मूर्ति के बाय बाजी ने लिखी, उसमें चांदी के पत्र से झल दिया। अब देखे वहां के अक्षर पुत्र धम्म लिपि वहां पर लिखा हुआ है, तो ये दुर्मिल बातें हैं। हम जब 30-31 जनवरी का 30-31 जनवरी का प्रोग्राम होने के बाद में नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि से हम महादेव ऋषियों के पास जाएंगे, कंधे पर खारे लेकर के जाएंगे, जाना है क्या? कैसे जाएंगे? क्योंकि मैं जब हुआ जहां वहां पर गया तो गदगद हुआ, वहां पर पचमढ़ी मरिया ने मिली, वहां पर पुरातत्व कार्यालयों ने अपनी अपनी सब कानून वहां पर वादी फलक लिए गए कि बुद्ध ले लिए। अब क्या करेंगे ब्राह्मीण वादी उनको महादेव भिक्षु को उनको टाइगर का चमड़ा पहन करके उसको शंकर भगवान बना करके उसको जंगल में रख दिया, मसान घाट में रख दिया, उसका महेश करके नाम देकर। लेकिन अर्घत महादेव भिक्षु था, भगवान ले लो क्या करेंगे, वहां पर बुद्ध लेनी लिखा हुआ है, क्या करेंगे आप? मांगेंगे नहीं क्या? बुद्ध लेनी पूरा तो वैज्ञानिक झूठ बोलेंगे, इसलिए हमको जाना। ये महादेव नाम का मैं नासिक में गया,
जहां ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे प्रकृति कुदरत ऐसे दिखता है, लोग कहते हैं महाब्रह्म, लेकिन वो जो ब्रह्मगिरी है ना, असली ब्रह्मगिरी वहीं पर है जहां से वो नदी बहती है, ब्रह्म कुंड नदी। वो पुराना चित्रण है त्र्यंबक, त्र्यंबक यानी तीन बक ब्रह्मा, महाब्रह्म, ब्रह्मकारी सज्जा, ब्रह्म पुरोहिता। ये नाम वहां अभी वहां पर महादेव कोली लोग रहे थे, आदिवासी लोग रहे थे, भूलभाल के खाली बात है। मैं जब जो अरहर किला बोलते ना, हर किला बोलते, देखिए हर हर किला, वो हर हर नहीं, हर हर तो ऊंचा किला है। मैं जब जगजग जब वहां पर गया, चढ़ पाया, तो नव कुंभे है भिक्षुओं के, भिक्षुओं में है, अन्य लोगों के नहीं, ये पता नहीं पूरा तत्व वहां पर जा नहीं पाए लोग। वो अरहंतों का ताहा वहां दिबल वाला रहता था, भिक्षुओं के नव कुंड है पानी पीने के लिए, इनकी बल वाले भिक्षु भी रहा करते थे। त्र्यंबक ये नाम ही बुद्धि जमता है, नासिक के मेने है ये, इतना महाराष्ट्र में बाबा साहब ने कहा था 2000 लेनिया देश में है, 2000 लेनिया और 2000 लेनियों से 1700 लेनिया अकेले महाराष्ट्र में। इसका मतलब ये है कि 100% महाराष्ट्र बुद्धि था, 1250 साल बुद्धि राजा यहाँ पर राज किया करते। बाबा साहब ने ये सच बताया, इसलिए गुलामों को एहसास करा दो कि वे गुलाम है, जंग छेड़ेंगे। बहुत बड़ी ड्यूटी दी हर सबको, ये सारा ब्राह्मण समाज, आदिवासी समाज, भटका युक्त समाज, एक समाज एक समय के वे बुद्धिस्ट लोग थे, अब भूलभाल गए, पराजित हो गए, और बाद में ब्राह्मणवादियों ने आक्रमण किया। एक एक चमन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले भिक्षु एक एक भिक्षु को पकड़ के उसका सर कत्लेआम करने के लिए, गुरु दक्षिणा के रूप में दान ग्रहण करने के लिए 10,000 सोने का आश्वासन दिए गए, सोने के सिक्के दिए गए। इसी तरह का ऐसे कत्लेआम किया जाता था, और फिर भिक्षु दाढ़ी किए और सर के बाल बढ़ा करके ऐसे घूमने लगे जंगल पहाड़ों में, दूसरा कंदराओं में। यही वो नाशपंथी लोग थे जो बाबा साहब ने बात पहचानी, भोलानाथ, यही महादेव भिक्षु था, भोलानाथ ना महादेव भिक्षु थे, ये मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ थे भिक्षु, ये भिक्षु लोग थे, वारकरी भिक्षु थे, भागवती भिक्षु थे, महानुभाव पंथी भिक्षु थे, लोग ये सूफी पंथी भिक्षु थे, लिंगायत पंथी भिक्षु थे, भूलभाल गए सब लोग, सब भूलभाल गए। इतिहास को जो भूल जाते वो तो क्या इतिहास को निर्माण कर पाए, गुलामों को एहसास कर। तो बहुत बड़ी कठिन जिम्मेदारी हम सब पर बाबा साहब पर जल्दी ही चलेगी, और ये जिम्मेदारी छोड़ करके तो हमारा तुम्हारा सबका जन्म इसीलिए हुआ है, इसीलिए ही हुआ है कि बाबा साहब के सपने को अधूरा अधूरा सपना पूरा करने के लिए ही तुम्हारा हमारा जीवन काम में है। तो सारा विश्व ही बुद्धमय धम्ममय करने की जिम्मेदारी, सबसे कठिन जिम्मेदारी बाबा साहब ने सब उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुओं पर दी। तो हम कैसे कर पाते पता नहीं, कि आले आने वाले समय में पता नहीं, देव उभसतु काले सस्य संपत्ति हेतु च अधिपतु लोको च राजा भवतु धम्मी च। बुद्ध का शासन है, बोधिसत्व के चित्त में महाकुशल चित्त है ना बाबा साहब, भगवान बुद्ध की वाणी है, अरे मनुष्य जन्म हुआ फिर भी ये मनुष्य, लेकिन चित्री अंध भक्ति में मिथ्या यातनाओं में रहते, मिथ्या धारणाओं में रहते, दुर्लभो मनुष्य दुर्लभो पंचकृत भाव दुर्लभो झम्प सवन दुर्लभो पत्तु क्षमा श्रद्धा संपत्ति। श्रद्धा संपत्ति प्राप्त करना भी कितना दुर्लभ है, धम्म श्रवण करना भी कितना दुर्लभ है, कितनी मिथ्या अंडरस्टैंडिंग में मिथ्या धारणाओं में बनाए हुए रक्षा रहते हैं लोग, उनको क्या पता कि बुद्ध क्या चीज है। अभी जो अभी 67 साल होने जा रहे हैं अक्टूबर में, बाबा साहब ने जो धर्म क्रांति की, इतने साल बीत गए, लेकिन हमारी श्रद्धा ही नहीं बुद्ध धम्म और संघ के गुणों पर। बुद्ध धम्म संघ के तीन रत्न है ना, महान रत्न है, तुलना नहीं, अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो संघो, तुलना नहीं की जा सकती रत्न। इन रत्नों के प्रति बुद्ध शासन हम कहते,
तो किसको बुद्ध शासन, ये रत्न है बुद्ध के शासन। जब बोधि ज्ञान का अनुसंधान, बोधि ज्ञान को धारण करते हुए सद्धम में लाभान्वित हो रहे, सत्य का साक्षात्कार करने के लिए सत्ता ही नहीं अपने पास में, और बाकी दसों कार्मिकताओं के घड़ों की परिपूर्ति होनी चाहिए, तभी कहीं अपने मन के स्वभाव को बदलने में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि आपके दसों कार्मिकताओं के घड़े भर चुके हैं या नहीं? कितना स्थूल चित्त वाले लोग, इतने शुष्क चित्त वाले लोग, आपको ये भी नहीं पता, किसी से जानकारी भी कोई प्राप्त कर ली हो? किसी से नहीं, सवाल भी नहीं उत्पन्न होगा। इतने स्थूल चित्त के लोग, जो व्यक्ति अपने मन के भीतर के स्वभाव को बदलना चाहता है, दसों पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति होगी तो ही आप लोग आर्य सत्य का साक्षात्कार कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अब आपको पता करना पड़ेगा, किसी अगर व्यक्ति के पास में जाकर के आपको पता करना पड़ेगा कि क्या बोलते मेरे दस पारमिताओं के घरों की परिपूर्ति हुई है या नहीं, पूछना पड़ेगा। तब कहीं पता चलेगा कि आपको आप इस जीवन में, आप इस जीवन में चारों अरे सत्य का साक्षात्कार कर सकते हो या नहीं, इसका जवाब। हाँ, ये अच्छा हुआ कि आपको विपश्यना इस कम्मत कांड का अभ्यास करने की सुविधा उपलब्ध है, आपके पुण्य बल के आधार पर बड़ी भलाई भलाई की बात है। हाँ, आप करते रहेंगे, जिस क्षण के लिए समता पुष्ट हुई, वेदना सारा वेदनाओं का प्रपंच, अनित्य का ही प्रपंच, हम प्रज्ञा से देखते रहे, ठीक है, लेकिन जब तक से पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति नहीं होती, तब तक अन्य सत्यों का साक्षात नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए धम्मदायक बनना पड़ेगा। जब दसों पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति करने वाला कोई व्यक्ति होगी तो आपको धम्मदायक, यानी भगवान जहां जहां गृहस्थों में जहां जहां जाया करते थे घरों में, तो उनको बोलते धम्मदायक बनो, धम्मदायक, धम्म के दायक बनो, धम्म की दायिकाएं बनो। मतलब क्या होता है, भिक्षुओं के चारों निश्रयों की परिपूर्ति करने वाले उपासक, चार निश्रय जैसे रोटी कपड़ा मकान दवाई, जैसे चारों चीजें, मतलब भिक्षुओं को ध्यान करने के लिए शून्यागार बांध करके डाल देते, भिक्षुओं को विहार बांध करके डाल देते, भिक्षुओं को 7x12 की कुटी बांध करके डाल देते, भिक्षुओं को कपड़ा दान करना रहने के लिए हो गया, कपड़ा दान मतलब ये संघा की कंधे पर होती है, ये उत्तरासंग अंतरवासक कमर बंद शिवर शिवर दान देना, अस्त परिष्कार दान देना, जो उनकी दैनंदिन चीजें, और दवाई दान दे, औषध दान कर। तो चारों निश्चय की परिपूर्ति कर जाएंगे, 10 साल तक बहुत सारे विश्व संघ को बुला बुला करके संघदान करते रहे सम्राट 10 साल बाद में देख लिया, कहीं कहीं विश्व उपोषण कर्म करते हैं, कहीं कहीं विश्व भिक्षु उपोषित करते हैं, कई कई भिक्षु उपोषित नहीं करते, ऐसे जो भी उपोषित करने वाले भिक्षुओं की 60,000 भिक्षु शिवर उतार दिए गए, कपड़े दिए गए, इतना कर्म सम्राट अशोक के काल में किया गया। जो षडवर्णीय जो भिक्षु थे, षडवर्णीय आंखें कान नाक जुआ शरीर और मन, 6 इंद्रिय, जैसे जैसे इंद्रियों के मन में जो आता है चलो वैसे ही करते, इसलिए उनको षडवर्णीय भिक्षु, षडवर्णीय भिक्षु कहा गया। ऐसे इतने सारे चोर निकाल दिए, 60,000 भिक्षु परिशुद्धि, तब भिक्षुओं का ताफा ऐसे परिशुद्ध हुआ, उनके जीवन काल में इतना प्रचार और प्रसार बढ़ा सम्राट अशोक के काल में, धन के बालक बने, तो अपने अपने पुत्र पुत्रियों को संघ में दान देने लगे। आपने कितने लोगों ने अपने पुत्र या पुत्रियों को संघ में दान दिया हो, पता लग जाएगा, ये बाह्य लक्षण है। जो व्यक्ति अपने पुत्र और पुत्रियों को
भिक्षु या भिक्षु संघ में दान करता, ये बाह्य लक्षण है कि उनके दसों पारगताओं के घरों की परिपूर्ति हो गई है। बाह्य लक्षण पहचान, किसी ने किया और हाथ ऊपर उठाए, कोई नहीं ऊपर उठ रहा हाथ, अरे एकदम एकदम मेलघाट लगते है ना, मेलघाट वाले लोग, मतलब किसी ने नहीं दिया, दसों पारगताओं के घरों की पूरी परिपूर्ति नहीं है, इसके लिए आप दान करना पड़ेगा। तब ये बाह्य पहचान के आधार पर आपके दसों पारगताओं के घरों की, अब मैं पहचान गया हूँ, ये बाह्य लक्षण द्वारा जो व्यक्ति अपने पुत्र पुत्रियों को भिक्षु संघ दान किया करता हो, ये बाह्य पहचान है कि वह धर्मदायी का बन गए, है ना। तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से कर्मठानों का अभ्यास करके वह व्यक्ति अपने मन के स्वभाव को बदलते जब वह कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। दसों पारगताओं के घरों की परिपूर्ति होने के बावजूद भी अगर कल्याण मित्र आपके जीवन में नहीं मिले तो बात नहीं बन सकती, उलझ जाए उलझ जाए। जैसे सम्राट अशोक का उलझ गए, सम्राट अशोक ने इतने अपने पुत्र पुत्री दामाद पोता चारों को लंका में भेज करके, अलग अलग अरब विषयों के देश विदेश में भेज करके कितने लोगों का मंगलकारी कर्म करने में सहभागी हुए, लेकिन मृत्यु के समय आप भी तो मरने वाले हो, कब तक जिए, एक दिन तो वह आएगा मृत्यु का। सम्राट अशोक का ये हाल हुआ, मृत्यु के समय में उनको कल्याण मित्र नहीं मिला और वह बेहोशी में चले गए, बेहोशी में शरीर त्याग किया। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन भंते यहां आए और भंते जी बोला, ये मैं नहीं कह रहा हूं, महावंश ये ग्रंथ है ना अनुपिटक का, उसी में ये बात दोहराई गई। ये महेंद्र जी ने बात को, उनका ही लड़का जिसने अर्घ को प्राप्त कर लिया हो, और दिव्य चक्षु दिव्य छोट परिचित ज्ञान बुद्धि निवास सती का ज्ञान इंद्रिय पाठ और अस्त्रोक्षय छह प्रकार की अभिज्ञाओं को भी परिपूर्णता की प्राप्ति करनी थी। वह अपने बोधि नेत्र से देखते हैं कि मेरे पिताजी सम्राट अशोक, उनके मृत्यु के उपरांत सुगति हुई या दुर्गति हुई। सुगति का मतलब समझे, दुर्गति का मतलब समझे, बुद्ध एडी धम्मा, बुद्ध एडी धम्मा इस धर्म ग्रंथ में बाबा साहब ने इस बात को रटे लिखी है, जो व्यक्ति अपने शील का पालन करता है तो शील लाभ है, अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया से गुजरता है तो चित्त लाभ है, अपने मन को निर्मल करने की प्रक्रिया से गुजरता है तो नित्यांत निर्मल करने की प्रक्रिया से गुजरता है तो दृष्टि लाभ होता है, मृत्यु के ऊपर लाभ। अगर जो शील पालन नहीं करता तो शील घात हुआ, अपने मन को वश में करने की कोशिश ही नहीं करता, चित्त घात हुआ, अपने मन को निर्मल करने की प्रक्रिया से गुजरता ही नहीं, दृष्टि घात हुआ। जिस व्यक्ति का ऐसे शील घात हुआ, चित्त घात हुआ, दृष्टि घात हुआ, तो मृत्यु के उपरांत वह दुर्गति में जाता है। दुर्गति अपाय गति अधोगति, मतलब जी जो व्यक्ति है बेहोशी में अपने शरीर को त्यागता है, जैसे सम्राट अशोक ने त्यागा, आप भी मृत्यु के समय, आपका भी मृत्यु होने के समय में जो अतीत भवंग चित्त जागेगा, अतीत यानी भूतकाल वाला, भवंग यानी हृदय मत्थु, अतीत भवंग चित्त यानी हृदय मत्थु को बंद पाने वाला, बंद करने वाला ये प्रथम चित्त उत्पन्न होता है, बंद करने की प्रक्रिया यह प्रथम चित्त, इसे भवंग अतीत भवंग भूतकाल के संस्कारों का जो संस्कार अपाय गति में ले जाने वाले, अपाय गति में नरक लोक प्रेत लोक असुर लोक तिर्य पशु पक्षी प्राणी इत्यादि, ये चार अपाय गति थे, इसको दुर्गति कह जाते हैं। मृत्यु के उपरांत दुर्गति होने का मतलब है मृत्यु के उपरांत नरक लोक में प्रेत लोक में असुर लोक में या तिर्य पशु पक्षी प्राणी में जन्म होना, इसलिए दुर्गति कही जाती है, अपाय गति कही जाती है। और सुगति का नाम, हाँ जैसे हमारा तुम्हारा मनुष्य जन्म हुआ तो सुगति मनुष्य जन्म, और धम्मचक्र पवत्तन सूत्र में पढ़ी है
चातुर् महाराजिका देव तावंतीचा देव यामा देव तुषिता देव निम्बावती देव और निमित्त वशवती देव, ये छह प्रकार के देवता लोग और मनुष्य लोग, यह कामसुगति भूमि वाले देवता, कामसुगति भूमि वाले मरने के उपरांत। मान लो हमारा तुम्हारा सबका सभी संप्रदाय के सारी मानव जाति में जो जन्म हुआ मनुष्य करके, तो जागृत रूप से पुराना शरीर हम सबको त्यागना आ गया, जागृत थे इसीलिए ये कुशल विपाक उपेक्षा सहज संतरण चित्त उत्पन्न हुआ, इसीलिए हमारे माता जी पिताजी ने हमको जन्म दिया, ये ऊपरी ऊपरी बात है। लेकिन हमारे माता पिताओं ने हमको जन्म देने के बावजूद भी हमारे चित्त की उत्पत्ति हमारे माता पिताओं ने नहीं की है, हमारे चित्त का जो अस्तित्व है ना स्वतंत्र है, माता पिता होशियार नहीं है जो कि चित्त की उत्पत्ति करे, चित्त हमारा होता है जन्म ग्रहण करने वालों का, जन्म ग्रहण करने वाले चित्त को प्रतिसंधि चित्त कहते, शरीर त्यागने वाले चित्त को च्युति चित्त कहते, शरीर त्यागने के लिए 15 प्रकार के चित्त उत्पन्न होते हैं, एक एक चित्त का एक एक चित्त क्षण, चित्त क्षण समझ गए, चित्त क्षण क्या वेदन, यह शरीर अग्नि भाई जला तो सिंह धातु से बना हुआ है ना, हमारी माँ बाप ने नहीं बनाया, उनको इतनी अक्ल नहीं है, इतने बनाया ये शरीर किस मन के द्वारा ही यह सारी शरीर की रचना की गई है, मन के द्वारा, मन के उत्पन्न होता है विद्या पक्षी या संसार, संसार पक्षी या विज्ञान, बेहोशी में रह करके मनुष्य या मनुष्य प्राणी सुख वेदना भोक्ता भाव में रमन करते हुए, रात की दुख वेदना भोक्ता भाव में रमन करते हुए द्वेष की, और दुख सुख वेदना भोक्ता भाव में रमन करते मोह मुद्दा की घाटे बार बार करके वेदना पक्ष या तनहा वेदना पक्ष या भव संस्कार अविद्या पक्ष या संसार, बेहोशी में रह करके विद्या में रह करके हमने वेदनाओं के सहारे दुख चक्र का ही निर्माण किया है, अविद्या पच्ची या भव संस्कार निर्माण किए गए, यह संस्कार 3 प्रकार से संस्कार बनते, पानी लकीर वाले जल्दी बुझ जाएंगे, जैसे पानी पर से लकीर खींचे तो तुरंत मिट जाने लगती, आलू पर से अगर रेख खींचे तो रेखा ऐसे खींचे तो समय लगता, उसके लिए बरसात भी पड़ती है, पानी बहना पड़ता है, तब कहीं घुस उसको बुझाने के लिए कहीं ढूंढने पड़ते साधन ढूंढने, तब उसको, लेकिन पत्थर के लकीर वाले संस्कार, ये पत्थर के लकीर वाले संस्कार उनको भव संस्कार कहा गया, क्लेश धातु जो बार बार हमें जन्म ग्रहण करने के लिए बार बार मजबूर कर देती है, यही उनको भव तृष्णा कही गई, काम तृष्णा है पासव, भव तृष्णा है पासव, विभव तृष्णा है पासव, 1500 प्रकार की तृष्णा, 1500 प्रकार कैसे नष्ट करे, विपश्यना करनी नहीं आई, तो एक एक यह शरीर ये अनुराग गला है पृथ्वी धातुओं से बना हुआ है, खटपट चलती रहती है, रासायनिक प्रक्रिया चलती ही रहती है, लेकिन वेदना यह शरीर का खंड नहीं है, मन वेद यति की वेदना, अनुभव करने वाले मन के खंड को वेदना कही जाती है, सुख आओ दुख आओ अदुख अदुख, ये शारीरिक वेदना है, 5 प्रकार के वेदनाओं के आधार पर हमने हमारा स्वभाव संगठित कर लिया है, बना लिया है, 390 प्रकार के स्वभाव वाले चरित्र वाले हम सब लोग मनुष्य मनुष्य प्राणी हो, वेदनाओं के आधार पर हमने ये दुख चक्र भव चक्र निर्माण किया है, ये 5 वेदना है, सुख वेदना दुख वेदना अदुखा सुख वेदना, शारीरिक वेदना है, सौमनुष्य और दौर्मनुष्य कर सकते, 395 कलम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, बोधिसत्व ने लिखा, सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं,
बोधिसत्व का मतलब होता है भावी युद्ध। आपको विश्वास है बाबा साहब अंबेडकर जी सम्यक संबुद्ध बनेंगे? नहीं है। बोधिसत्व क्यों कहते हैं? बोधिसत्व का मतलब है बुद्धत्व प्राप्त करने के संकल्प करने वाले वाले, अरे भावी युद्ध, भावी सम्यक संबुद्ध बनेंगे, इसलिए बोधिसत्व कहते हैं ना। तो बाबा साहब इस शरीर के त्यागने के बाद उन्होंने जन्म लिया और वो तुषिता देवता लोग में उन्होंने जन्म लिया। कहां पर? तुषिता देवता लोग में उन्होंने जन्म लिया, उनका नाम सुदर्शन है। अब हम तो नहीं देख पाते लेकिन देखने वाले लोग हैं। जिसने अर्हत्व प्राप्त कर लिया हो मृत्यु के उपरांत उनकी सुगति हो गई। तुषिता देवता लोग में जन्म हुआ तो सुगति, ये हमने कहां से सुना? हमने लंका वाले भिक्षुओं की तरफ से सुना। हमको प्रश्न पड़ गया था कि हम ये बात कैसे सुलझा पाएंगे, तो हमारा टावर उतना नहीं है कि हम जान पाएंगे। हमको फोन करके तो हम तो कवरेज के बाहर निकले। अब सब लोग कवरेज के बाहर, गूगल भी कवरेज के बाहर, कवरेज के बाहर। बाबा साहब का फोन नंबर पूछो अगर कोई बता देगा, मुश्किल का। जो अर्हत व्यक्ति है, जिन्होंने अर्हत्व प्राप्त कर लिया है, वे पहचान जाए, वे मुलाकात भी कर पाए। अगर उनको मुलाकात भी कर पाए वह जान पाएंगे। उनके पास वह छात्र होता, वो कवरेज के बाहर नहीं होते। हम सब लोग कवरेज के बाहर। अब आप लोगों के मन में फिर प्रश्न छा गया होगा कि बाबा साहब कैसे हुआ है, क्या कौन कहता है, मैं कैसे विश्वास करूं? मेरे भ्रम चित्त में भ्रम या ध्यान थी, मैं मेरे मन में जो थी मैंने निकाल दिया। कैसे निकाल दिया? एक अरहत भिक्षुओं के पास में वर्षावास थी, उनके पास में 3 महीने गुजारा वर्षावास, 1 महीना कठिन धाम में हुआ। और ये बाबा साहब ये सारी बातें मैंने पूछी कि क्या बाबा साहब बोधिसत्व थे? हम लोग मानते हैं, जानते नहीं। जानते वो लोग जो सम्यक संबुद्ध होते, पचेत बुद्ध होते या अर्हत सत्व जो सावक बुद्ध होते, ये इन बातों को जानते हैं। हम लोग केवल मानते, मानना और जानना जमीन आसमान का फर्क। तो हमने उनसे पूछा, बनते क्या बाबा साहब अंबेडकर जी बोधिसत्व थे या नहीं? बाबा साहब अंबेडकर जी ने शरीर त्यागने के बाद उन्होंने तुषिता देवता लोग में जन्म लिया, ऐसे श्रीमंत भिक्षुओं का कहना है, क्या बात सही है या गलत है? तो 15 मिनट के बाद में उन्होंने आंखें बंद करके थी, मैं हाथ जोड़ करके ऐसे उनके सामने बैठा था। 92 साल का एक बूढ़ा भिक्षु कुर्सी पर ऐसे बैठे रहते। पहले पहले शुरू के दिन में वर्षावास के 3 महीने मुझे अनुमति मिली उनके पास में ध्यान करने की। 11 बजे के बाद भोजन मेरा हो गया, 12 बजे सोया करता था, 3-4 घंटे आराम करता था। और शाम को 6 बजे हंस जी के पास में जाता और उनकी कुर्सी के बैठते, कुर्सी के बगल में बैठ सकते, रात भर ध्यान करता। सुबह 5 बजे तक शुरू शुरू में 7 दिन, 1 हफ्ता का ऐसे, 1 सप्ताह ऐसे ही चला। मुझे संदेह होने लगा क्या भिक्षु अर्हत है या नहीं, कैसे पहचान? तो मैंने कहा बाह्य पहचान, अभी पढ़ते पढ़ते देख लिया बाह्य पहचान का, जो नींद नहीं लेता है। नींद ये रोग है ना, 3 नींद जैसे कहने बार बंधन है, शारीरिक आलस्य हो या मानसिक आलस्य हो। जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध होते, सच्चे बुद्ध होते, अर्हत सत्व होते, नींद इस रोग से छुटकारा पाया, उनको सोने की जरूरत नहीं होती। 24 घंटे जागृत होते हैं, उनको सोने की जरूरत नहीं होती। मैं बड़े नजदीक से देखा, शुरू शुरू में सोए तो नहीं मन, मैं ऐसे आपको फोन करके देखा करता था। तो वो क्या करते, कुर्सी का जो दाहिना हाथ होता है ऐसे नाखून टक 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 बजा देते, अरे ये मैंने कहा जागरिक। तो 7 दिन 1 सप्ताह ऐसे ही बात चली। फिर बाद में मैंने सोच लिया है और ध्यान भी दिया कि ठीक है, अब हंसते कहीं सोए नहीं। बाद में मैं ध्यान किया करता,
लेकिन शुरू शुरू में एक हफ्ता तो स्वयं तो नहीं देखना था, अरे है या नहीं, संदेह उत्पन्न हुआ था ना, तो बाद में पता चला कि नहीं संदेह का दूर। और उनसे जब ये पूछा गया बात, पूछी गई बात, जब हमसे बाबा साहब अम्बेडकर जी बोधिसत्व थे, जब उनके मृत्यु के उपरांत उनके महाप्रयाण के बाद उन्होंने सुदर्शन कुछ संतोष ऋषि का जनता लोग ने जन्म ग्रहण करके उनका नाम सुदर्शन है, यह हम श्रीलंकन ऋषियों से जान पाए ये बात सही है या गलत। 15 मिनट के बाद उन्होंने कहा हाँ सही है, मैं गदगद हो गया, अब मेरा विश्वास हो गया, क्योंकि एक अर्हत ऋषि झूठ नहीं बोल सकते, एक स्थापक बुद्ध झूठ नहीं बोल सकता। मैं तो विश्वास कर लिया कि बाबा साहब शरीर त्यागने के बाद वह काम सुगति भूमि में सीता देवता लोग में जिनका नाम अभी सुदर्शन है वहां पर, क्या आपको देखना है? अगर देखना है तो अपने जीवन का सारा पुण्य उनको अर्पित करते हुए 14 अप्रैल को मेरे साथ आना पड़ेगा जन्मभूमि पर देव, और वहां पर सत्यक्रिया करनी पड़ेगी रात को 12 बजे, ठीक 12 बजे। हमारे सारे जीवन का सारा पुण्य बाबा साहब आपके चरणों पर जन्म स्थली पर अर्पण करते, ये सत्य इस सत्य वचन से आपका भी मंगल हो, हमारा भी मंगल हो, आपको भी सम्यक संबुद्ध बनने में, 300 पारमिताओं के घरों की परिपूर्ति करने में बहुत बल आए, चक्र एक जीवन में चक्रवर्ती राजा बने बुद्ध बने, तब हमारा भी मनुष्य जन्म हो और आपको देखने को मिले। ऐसी सत्य क्रिया कर सकते हैं, और वहां जो बाबा साहब है उनकी सेवा करने के लिए जन्म ग्रहण करना सकने की आपके पुण्य कर्म के आधार पर, उपोषित कर्म के आधार पर, दानं दत्वा शीलं समाधित्वा उपोषित कर्मं कृत्वा तं प्रसादेति अभिनन्दन्ति, ज्ञानं उत्पादयति विपश्यनं उत्पादयति मन्दं उत्पादयति फलं उत्पादयति समापत्तिं उत्पादयति अभिनन्दं उत्पादयति, भगवान का सज्जन मेरा विश्वास। इसलिए मैं 14 अप्रैल 13 अप्रैल को शाम तक वहां पर पहुंच ही जाते, पदयात्रा ले जाता और रात को 12 बजे थी तो सत्य क्रिया करवा लेते सभी लोग, क्योंकि बोधिसत्व का जयंती उत्सव बैंड बाजा बजा करके डीजे बजा करके नहीं किया जाता जयंती उत्सव, बाबा साहब का बोधिसत्व का जयंती तो सब अपने सारे जीवन के सारे पुण्य कर्मों को बाबा साहब के जन्म स्थली पर दान करते, उनको दान करते हैं, उनके जीवन यापन करने हैं, उनको जब सम्राट होंगे चक्रवर्ती सम्राट होंगे तब भी उनका झंडा नीला होगा, उन नीले झंडे पर ही धर्म चक्र कहता होगा। हाँ उन दिनों हमारा भी जन्म मनुष्य करके हो, जब भी आप पुत्र होंगे हमारा भी मनुष्य जन्म हो और आपको देखने को वह हमको सुविधा, हमारे पुण्य कर्म के आधार पर ऐसी सत्य क्रिया करते हुए उनको देख सकते हो। अब मेरा तो विश्वास हो गया, आपका कितना भी पटक पटक करके बता भरोसा नहीं करें कैसे सर, इसलिए जो चित्त की जड़े है ना, अविद्या बच्चे असंखार असंखार बच्चे अविज्ञान विज्ञान 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 जानने वाले मन के खंड को विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान सांस नहीं, जानने वाले मन के खंड को विज्ञान कहा, विज्ञान दो किस्म का होता है, च्युति विज्ञान प्रतिसंधि विज्ञान, जन्म शरीर त्यागने वाले चित्त को च्युति चित्त कहते, जन्म ग्रहण करने वाले चित्त को प्रतिसंधि चित्त कहते। एक व्यक्ति को पुराना शरीर त्यागते हुए नया जन्म ग्रहण करने के लिए 17 प्रकार के चित्त उत्पन्न होकर के नष्ट होने पड़ते और एक एक चित्त का एक एक चित्त क्षण, और चित्त क्षण यानी वेदना किसी प्रकार की हो, सुखा दुखा अदुखा असुखा सौ मनुष्य या दौर मनुष्य, वेदना की उत्पत्ति का क्षण, वेदना जहां तक के वह रहती है वह स्थिति का क्षण कहलाया गया, और वेदना भंग होती है नष्ट होती है भंगत्व का क्षण, वेदनाओं के यह तीनों क्षण मिलकर के एक चित्त क्षण हो गया। देखो ठीक से समझिए बात,
क्षण एक एक चित्त का एक एक चित्त क्षण मृत्यु के लिए कितने भी तेज रफ्तार से कितने भी कम क्षणों में आपकी मृत्यु आ जाए, आज पचास भी आ जाए, देखिए अति भवन चित्त भवन चलन चित्त भवन उपचित चित्त मनोविज्ञान चित्त चतु भवंग चलन भवंग उपच्छेद चित्त भवंग 15 प्रकार के चित्तों का नाम गिनता हूं, भवंग भवंग उपच्छेद चित्त पंच विज्ञान चित्त मनोद्वार वज्जन चित्त संपट चंद चित्त संकीर्ण चित्त उत्थपन चित्त ये अति भवंग चित्त भवंग चलन चित्त भवंग उपच्छेद चित्त पंच विज्ञान चित्त मनोद्वार वज्जन चित्त संपट चंद चित्त संकीर्ण चित्त उत्थपन चित्त और 7 प्रकार के जवन चित्त ये 15 प्रकार के चित्त क्षण एक एक चित्त का एक एक चित्त क्षण तब कहिए परिपूर्ण होते मृत्यु की प्रक्रिया। यह शरीर को यह चित्त निकल जाता है जल्दी भागता नहीं, जल्दी भागता नहीं। जो परिपक्व है ना, उन दिनों उन भिक्षुओं को मैंने पूछा कि आपके मृत्यु के उपरांत आप इस बांग्लादेश में क्यों आए, क्या कारण पर? यह प्रश्न किसी ने पूछा नहीं था, हमने पूछा तो वो हंस गए और कहने लगे अपने शिष्यों को, ये सवाल आपने मुझे क्यों नहीं पूछा? अरे नहीं मन में आया नहीं पूछे, क्या करें, तो इसके मन में क्यों आया वो? तो मुझे अपने बाएं साइड में बिठा देते बंदे अरंत विष्णु, अपने बगल में बिठाए करते थे बंदे, जान लो थी आई ये की शब्द बोला बाकी अपनी भाषा में बोला करते। देखिए आपके मन में सवाल कैसे आया, हमने कहा कि आप कहां से आए हमको कैसे पता चले, आपने कितने दिन में अपने शरीर पुराना शरीर त्यागने के बाद में नया शरीर धारण करने में यहां क्यों पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ? तो उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि मैं यहां 8 शीलों का पालन करने वाली 8 शीलों का पालन करने वाली एक उपासिका थी जिन्होंने सबने संकल्प किया मैं ऐसे तत्वों को जन्म दूंगी जो व्यक्ति महत्व प्राप्त कर सके। 15 साल तक 8 शील का पालन करती रही, इसीलिए उस माँ के कोख में मुझे जन्म लेना था। मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था ना वीजा था, आकाश मार्ग से जब फ्री करने के बाद में 7वें दिन में अपने माता के कोख में प्रवेश किया। कितने दिन में? कोई व्यक्ति हो जो सक्षम व्यक्ति होता है 7वें दिन में 14 दिन में 21वें दिन में 28 दिन में। इसी तरह चित्त शरीर त्यागने के बाद आस पड़ोस में रहता है, जो व्यक्ति अपाय गति में जाने वाला होता है वो जल्दबाजी में जाता है, बस शरीर छूट गया जल्दी प्रतिसंधि हो जाती है। इस तरह बेहोशी में जो जाता है अपाय गति में जाएगा, होश में जाता है तामसुगति भूमि में जाएगा, पहले ध्यान में रहते हुए जाए वितर्क विचार सही प्रीति शोक एकाग्रता, तो ब्रह्म कार्य सज्जा देव ब्रह्म पुरोहिता देव महाब्रह्मा देव यहां पर प्रतिसंधि होगी। एक एक बार भगवान बुद्ध ने इतनी स्पष्ट रूप से बताई, आप 10 बार पढ़ेंगे नहीं समझेंगे, मुझे पूछना पड़ेंगे नहीं समझ में आएगी बात, इतना कठिन है धम्म बहुत कठिन, इसलिए कल्याण मित्र की बहुत जरूरी होती है। 10 पारमिताओं के घरों की परिपूर्ति होने के बाद अगर कल्याण मित्र नहीं मिला तो हालत सम्राट उसे की ही सब जिंदगी में 1-2 साल नहीं 100 साल नहीं सब जिंदगी में। अच्छा हुआ कि वो सत्य क्रिया करने के लिए उन्होंने दान दिया, वो जो पुत्र महेंद्र वो अर्हत को प्राप्त किया, 6 प्रकार की अभिज्ञाओं को प्राप्त किया, देखने लगा अपने बोधि के मेरे पिताजी के हाल क्या है, क्या हालत है, उनके लिए सत्य क्रिया की। अरे मेरे पिताजी ने मुझे संघ को दान नहीं दिया होता तो मुझे कहां अर्हत को प्राप्त करने को मिल जाता, कहां कौन सा चित्त उत्पन्न होता, कौन से प्राणियों की निर्मित होती निर्माण होता है, बहुत बखूबी से जाता पश्चिम गहिराज में बातों को जानते थे भगवान जी, इसलिए बातों का ये संदर्भ है गहिराज से समझे। इसी तरह पटसंधि कैसे होती है, चूती कैसे होती है, 16 और 17 चित्त जो होता है ना, जहां जहां जिस प्राणी में जन्म ले वो चित्रीकरण होता है, और 17वां चित्त अपनी माता के कोख में एंट्री होती है,
जैसे वर्तमान जीवन सिद्धार्थ गौतम का अपनी माता के कोख में प्रवेश करने के लिए आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन सफेद हाथी के रूप में खाद में आने वाला वही संतुष्टा नाम का वो देवता लोग सफेद हाथी अपने माता के कोख में एंट्री कर गया। इसलिए आषाढ़ी पूर्णिमा से पांचवी घट रहा होती ना पांचों घट अपने माता के कोख में प्रवेश करके आषाढ़ी आयु के 29वें साल में महामाया जो गृहत्यागी बनते महाविष्कर्मण होता है बुद्ध को प्राप्त करने के बाद में धम्म चक्र प्रवर्तन आषाढ़ी पूर्णिमा से तो गुरु पूर्णिमा आता है बिल्कुल गलती से भी वो बाद में ब्राह्मण वादियों ने गुरु पूर्णिमा कर दिए धम्म चक्र प्रवर्तन दिए उसके बाद इसलिए बाबा साहब ने धम्म चक्र प्रवर्तन आए राष्ट्रपति के निवास स्थान पर लिखा वहां पर भगवान बुद्ध की खड़ी मूर्ति रखी देशना धम्म देश बाबा साहब लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष के आसन के पीछे धम्म चक्र प्रवर्तन आया लिखा क्यों संविधान के 21वें कलम में बाबा साहब के आते थे तो तदंत सूत्र में भगवान ने जो उपदेश किया था राजा महाराजा को महाराज प्रजा के पुत्र के समान है और पुत्र के रोटी कपड़ा मकान शिक्षा एवं स्वास्थ्य सारी जरूरतें राजा धार्मिक हो तो पूरी करेगा ऐसे ही करेगा। 2024 का इलेक्शन आ रहा है और ब्राह्मणवादी पार्टी के उम्मीदवार नितिन गडकरी जी उनके पक्ष में कोई तुम्हारा उम्मीदवार मेरे हाथ में दे दे तो सारे सारे लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ और नितिन गडकरी के खिलाफ एक ही उम्मीदवार एक की वो ढूंढ लो तो कामयाबी प्राप्त करेंगे 2024 को और सरकार बदलेगी तो सद्धर्म के आधार पर संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन अमल करने वाले लोग अगर ठीक नहीं है तो महेंद्र जी ने अपनी सत्य क्रिया अरे मुझे संघ को दान नहीं दिया होगा तो मुझे कहां धन को प्राप्त करने को मिल जाता छह प्रकार के अभिज्ञा कहां से प्राप्त करनी मिलती सत्य मेरे पिताजी हम बताया करें ये सत्य इस सत्य वचन से उनका मंगल हो जाए सुशीता देवता या सावंत सा देवता लोग में उनका जन्म हुआ और वहां पर उन्होंने अर्हत्व प्राप्त किया ये महावंश ने लिखा हुआ पढ़े अभिधम्मत संघ खंड 2 पृष्ठ नंबर 504 में यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़े मैं ऊपर हवा के तौर पर नहीं बोल रहा बातों को बड़े तलक पछ गएगा भी जाके समझे तो सद्धर्म समझे भगवान बुद्ध की देशना समझे भगवान बुद्ध ने इतने अलग अलग स्वभाव वाले विशेष रूप से कम्बट थानों को प्रदान करते हुए विपक्षना कम्बट थान का अभ्यास करते करते हुए यहाँ विपक्षना का कम्बट थान अभ्यास करते हुए सम्मत संज्ञान उदय ज्ञान भय ज्ञान भंग ज्ञान अभिनव ज्ञान निमित्त ज्ञान उचित काम्यता ज्ञान पति संख्या ज्ञान संसारोपेक्षा ज्ञान अनुलोम ज्ञान एक एक ज्ञान समझाने के लिए एक घंटा लगता है अगले बार में समझाएंगे तब तक के अभ्यास करते हुए तो इसी प्रकार दसों ज्ञान की प्रक्रिया से जैसे उलझना सुलझ जाएंगे तो एक गोत्र चित्त उत्पन्न होना ये अनित्य से नित्य की ओर सुख से सुख की ओर अनंत से अनंत की ओर ले जाने वाला होगा यह लोकीय क्षेत्र से लोकोत्तर क्षेत्र की ओर पहुंचाने वाला होगा। लोकीय क्षेत्र का स्वभाव उदय गये उदय गये उदय गये उदय गया रूप आती वेदनाती संज्ञाती संखाराती वेदनाती इसी तरह ये शरीर भी और मन भी काम करना बंद करेगा ये दसों ध्यान की परिपूर्ति करने के बाद में तब कई आर्य सत्य का साक्षात्कार होगा अपने स्वभाव को बदलने में वही व्यक्ति कामयाब मनुष्य बनेगा। इसीलिए विश्व को युद्ध नहीं हर जग में युद्ध शुरू है हर देश में युद्ध शुरू है बुद्ध की जरूरत है बुद्ध के बोध ज्ञान से ही मनुष्य जीवन यह लाभी हो सकता है अन्य कोई गवाह नहीं है चुनिया 33 साल लगे इसके लिए बाबा साहब नितिन जी पर पहुंचे 33 साल अभ्यास किए और इतनी कठिन जिम्मेदारी हम सब तुम सब पर दिए उन जिम्मेदारों को फुलफिल पूर्ण को प्राप्त करने के लिए हम लोग सभी प्रयत्नरत हो आने वाले यह 31 जुलाई को रात भर सुत्त पठन होगा हमारे यहाँ या लेडी से तो मेडिटेशन सेंटर आज पूर्णिमासी और अमावस्या भी 18-19 नवंबर पारंपरिक देशों में जैसे कठिन शिवरदान होता है रुई से सूत बनाना सूत बनने से उसको कलर देना और फिर उनको कपड़ा बदलना और शिवर छिलाना शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कार्यक्रम निपटने को दुर्लभ भारत में पहली बार ये होने जा रहा है उसके लिए ट्रेनिंग के लिए
बांग्लादेश के हम पास उपासिकाओं को वहां से बुला रहे हैं। तो आप लोग भी दो दिन के समारोह में शनिवार शनिचर और इतवार सैटरडे और संडे है, दो दिन की मतलब एक दिन की छुट्टियां, सुबह सुबह शनिवार को आना है और शनिवार को मुकाम करना कार्यक्रम चलेगा, शाम तक फिर इतवार को लौट करके वापस। तो दो दिन का कार्यक्रम है कठिन दान का। तो आप सब लोग सभी साधक साधिकाएं सभी उपासक उपासिकाओं आह्वान करता हूँ कि उस कार्यक्रम में शामिल हो। उसके बाद 31 जनवरी का वो कार्यक्रम होने के बाद में जो तारीख घोषित करेंगे और जो शिवाजी महाराज की जयंती और वो शिव की वो महादेव की जयंती वहीं पर करेंगे नागवार के मैदान में, नागवार के मैदान में जहाँ उस दूसरे लेडी में वो लेडी पुरातत्व जो पुरातत्व वैज्ञानिकों का जो दस्तावेज है तो दस्तावेज पढ़ करके ये बुद्ध लेडी कैसी है, ये पुराना वो नागवार हो या पचमढ़ी हो, ये हमारे दीक्षियों के स्थान पे बुद्ध के स्थान पे बुद्ध लेनी है, ये सिद्ध करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो हम भी सभी यही पवित्र दीक्षा भूमि से ये 30-31 जनवरी के बाद में पद यात्रा निकलेगी। 18-19 का वहीं पर कार्य 18-19 का वहीं पर भी कार्यक्रम होगा यहाँ नागवार में मैदान में। आप लोग सहभागी हो गए ऐसे आह्वान करता हूँ। भगवान धर्म एवं संघ के यह पुण्य कर्म से यह रत्नों की यह आधार से बहुत धारा प्रवाहित हो। खूब मंगल हो। Thank you.